है चाचा, ये लो फेटा से ए देखो पता नहीं क्या चाहती है। क्या हुआ, पगला गए थे कि मैंने इतने प्यार से कैसे बोल दिया आपसे? वही तो। अरे 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 पाई लागू बड़े भैया। अरे ना मैंने सेंटर नहीं लगाया क्या जो पीछे बैठ गई इस कड़वे धोरे? पूरा अपनी रैली का प्रचार होगा, मस्त अपन निकलेंगे यहाँ से टिचक 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 टिचक। पूरी तेज गाड़ी तो नहीं, मतलब धीरे धीरे आएगी गाड़ी। तो बढ़िया लाया ना अंकल जी, बढ़िया जगह। अरे जिमी जगह तो बढ़िया, एक नंबर। तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका मेरी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूं सब बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो मैं आपका प्यारा जिमी आ चुका हूं आप सबके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो के लिए। कहां जा रही है मिल्खा सिंह? मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया है। तो गाइस अभी हम लोग ऐसे चिल पिल करने के लिए चले गए थे और पूरे दिन से मतलब कोड़े मैच जैसे हो चुके, और अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम भी सिलेक्ट करने वाले हैं कि कौन से रूट से हमारी रैली निकलने वाली है, फिर हमें हिसाब देना है। तो आज आपको भी पता चल जाएगा कि कौन से रूट से रैली निकलेगी और हमें भी कंफर्म हो जाएंगे। और मोहतरमा जी, आप तो मैनेजमेंट करती हो, आपको तो पता ही होगा वैसे इन्होंने जो हिसाब करा हुआ है। तो कलवे अंकल जी को भी उठाने वाले, चल छेदी छेदी चल यार, ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो गए पगली। तो बस हिसाब बढ़िया वाला होने वाला है। तो कलवे अंकल को मैंने फ़ोन कर दिया, अंकल जी ने कहा ठीक है आ रहा हूँ मैं, आम आ रहा हूँ मतलब घर के बाहर आ रहा हूँ। मतलब इन अंकल को कितना बोल रहे हैं, गाड़ी लेके आ जाओ ना, चैन थोड़ी है, ये थोड़ी आएंगे। ओ ये बाकी स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हो, कल पता नहीं यार मैं तो कहीं गया हुआ था गाइस काम से, मेरी स्कॉर्पियो मैंने देखी, मैंने तो गंदी खड़ी कर रखी थी, साफ कैसे होगी? फिर मेरे को पता चला कि गाड़ी तो फिर लेके गया था कोई, अब इतना तो पता चल ही जाएगा गाइस कि जब गाड़ी आपकी धुली हुई होगी घर पे तो कोई धोने वाला है नहीं, मेरे को इतना पता है। और पिताजी आ चुके जैसे कि आपको पता है गाइस मेरे, तो इसलिए मैं कभी निकलता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, निकलना पड़ता है यार काम से, अब ऐसा तो है नहीं घर पे पड़ा रहूंगा। ओ माइनवुड हिल्स क्या ले ओके कुड़ी आई चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ आदि के बैठे, भाई साहब इतने पीछे के बैठ जाए, डैशबोर्ड चाटने की आदत नहीं गई तेरी, देखना गाइस। अरे चाचा ये ले फिर डैशबोर्ड, ए देखो पता नहीं क्या चाहती है, पतली सी है ना बेचारी, सिर लग जाए इसका ब्रेक मारती डैशबोर्ड पे, देखो अभी दोबारा दिखाऊंगा। ये देखो आए पगली, अरे कॉमेडी अब नहीं करूँ बेटा, घुसड़ भी मार देती है भाई, ये ज्यादा कॉमेडी नहीं करनी चाहिए, इसलिए बेटा किसी देरी के चलते हैं हम अपने प्यारे कलवे अंकल जी के पास। ये राम राम अंकल जी, कैसे हो कैसे हो बोलो ना, क्या हुआ? पगला गए थे कि मैंने इतने प्यार से कैसे बोल दिया आपसे? वही तो। अरे 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 पाई लागू बड़े भैया। अरे 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 माइकल ने जाए डांटा तो नहीं तेरे को? एक बात बताओ, मैं कल गाड़ी खड़ी करके गया था घर पे, मैं था नहीं, मेरी गाड़ी इतनी चमकी कैसे है? वो मैंने और माइकल ने धुलवा दी थी। पिताजी ने मेरी गाड़ी चलाई? और सही बताओ कुछ बोले तो नहीं? और कह रहे तो पिद्दू सा ऐसी गाड़ी चलाता है? अरे चुप हो जा, इसके सामने की बोल रहे, बोलो ये स्मार्ट लड़का मेरा, बढ़िया है ये, बोलो। अरे अरे ये तो स्मार्ट लड़का, यूं ही बोल रहे थे। अरे 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 वो तो हो ही है, सुन रही मेरे पिताजी तारीफ कर रहे हैं मेरी, ठीक से तू ही बोलती रहती है। चल चल गाड़ी में बैठ, चलो अंकल जी लेट्स गो, चलो चलो चलो। छेदी छेदी अंकल जी, आप अंकल जी जैसे कि मैंने आपको बताया आपके बिना मेरा कुछ काम नहीं होता, तो आप भी मदद करोगे कि कौन सा रूट सेलेक्ट करना हमें? ठीक ठीक चल लेके चलते हैं। ओए इक्के कुड़ी, ये देख रहे हो अंकल जी गाड़ी मेरी, धीरे चला ले, ऐसी चाल है ये तो, नुए चाल लग रहा है अंकल जी, है किसी के बस के तो रोक के दिखा दो, बेशक मेरा बब्बू आ जाए फिर तो रोकनी पड़ेगी। फिर तो तू एक बार नहीं, क्या अल्लाह भाई के कर रहे हो दोनों भाई साहब, वोट फॉर जिमी, ठीक है वोट फॉर जिमी होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और होगा छाती में गोली मार दूं। चलो अंकल जी, अरे 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 भैया अंकल जी करना पड़ता थोड़ा बहुत यार, अब इनके लिए इतना करा, अब ये ऐसा वैसा करेंगे तो फिर दुख होता ना। अंकल जी अपने लड़के को बोल देना वोट फॉर जिमी, ठीक है ना, उसका एडमिशन करवाया था मैंने कॉलेज में। देख रहा अंकल जी एक तरफा सिस्टम चल रहा है, और कुड़ियों वोट फॉर जिमी, आपकी लड़की को बोल देना वोट फॉर जिमी, ठीक है। इलेक्शन आ चुके अंकल जी, क्या करूँ इसकी भैंस की टैट, मैं गोली मार दूंगा भाग जाते, कॉलेज का बंदा छोड़ देते हैं, वोट फॉर जिमी कर रहा हूँ मैं भी, चलो ओके ओके। कटरीना कैफ तू क्यों उतर जाती है, ये भी बदमाशी दिखा रही है पूरी, आगे बैठ जाती। अरे ना मैंने कोई ना मैंने सेंटर नहीं लगाया क्या जो पीछे बैठ गई इस कड़वे धोरे? अरे इसमें से बदबू आ रही होगी जब ही ओली पीछे आ गई। अरे ओली पीछे बताऊं क्यों आ गई अंकल जी? ओली पीछे इसलिए आ गई, वो आपका आदर करती है ताकि आप बड़े हो आप आगे बैठो, ठीक है, शर्म नाम की चीज नहीं है।
रहने दे, तू तो रहने दे। मेरे को एक दो जगह साइन करने अंकल जी कॉलेज में, मैं वो साइन साइन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद सिलेक्ट करते अपना एरिया अपना। ठीक ठीक कर ले। तो ठीक है गाइस, अपन को मजा आने वाला है, लेट्स गो। मैं फटाफट साइन करके आता हूं, थोड़े थोड़े टाइम होने वाला है। अरे भाग के जाओ, भाग के जाओ, भाग के जाओ। क्या हाल भाई, वोट फॉर जिमी। तेरी भैंस की गाय लगी, वोट फॉर जिमी। ठीक है लेट्स गो। तो गाइस अंदर साइन हो चुका है। अब आप पूछ रहे होंगे यार इतना जरूरी काम कर रहे हो, ये जिग्गू कहाँ है? तो जिग्गू गाइस मैंने काम से भेजा हुआ है। अब सीन ये है, मैंने बोला भाई साहब इतने दिन से वो गाड़ियाँ खड़ी है, सारी गाड़ियों का एक बार सेल्फ मारा, क्योंकि फिर बैटरी डाउन हो जाएगा, अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगेगा। क्या कह रहे हो, अच्छा लगेगा? क्या कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं यूँ कह रहा हूँ कि जो गाड़ी है ना उन्हें कोल्ड स्टार्ट करते रहना। अच्छा अच्छा एक मिनट, ठीक है फिर आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार, वोट फॉर जिमी बोल दो अंकल जी, मैं इनको रोज याद दिलाना पड़ता है। ठीक ठीक बोला बोला भाई साहब। क्या है, बढ़िया सुथरा लग रहा है यार, वोट फॉर जिमी पता है ना तुम्हें है? दे भैंस की बढ़िया आराम में बीड़ी पी रहे भाई साहब, वोट फॉर जिमी यार दे दिए यार, ऐसे मत करिए भूतनी का, वोट फॉर जिमी अच्छा रहा। तेरी सासू की मन्नत दिए, तेरे एक वोट से मेरा कुछ हो जाएगा के? तेरे को अंकल जी दंगे मत कर, दंगे मत कर, दंगा नहीं अंकल जी, इनके शरीफी से बात कर लो ना, इनसे चोर में हो जाए। अरे बॉडी बिल्डर के दोस्त है ये तो, बॉडी बिल्डर के दोस्त हो या चोरी बिल्डर के दोस्त हो, मन्ने फर्क ना पड़ता। और कुड़ियों क्या ले, क्या ले? हां मैं हूं स्मार्ट बॉय जिमी, वोट फॉर जिमी। ओके ठीक है, तुम्हारी मेकअप किट तुम्हारे पास भिजवा दूं और तुमने कूपन भी दिला दूं। हां हां मेरे को मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे, तेरे लिए तेरी मैं इंस्टा पे लाइक्स बढ़वा दूंगा। ये तो गाइस ऐसी ही लड़की है, इंस्टा पे लाइक्स बढ़वा दो, मेरे फॉलोवर्स बढ़वा दो। ठीक है और भाई क्या ना, वोट फॉर जिमी। ठीक है भाई यार तू तो अपना डर क्यों रहा, कुछ ना कर रहा है क्या? लकड़ियो यार एक कॉलेज के बच्चे है क्या है, अभी तो सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, अगर मैं जीत गया तो इनका रैपड़ रैपड़ मारता बैस यहाँ का। भाई लाल लिपस्टिक, तीन लाल लिपस्टिक एक्स्ट्रा दिलाऊंगा, वोट फॉर जिमी कर दियो। ठीक है क्या बात है, बढ़िया अच्छे अच्छे चलो। हाँ अंकल, अंकल तो नहीं, अरे भाई क्या है भाई, तेरे ना बालों में ना ऐसा तेल दिला हुआ, ऐसे बाल आए घने घने, जैसे कि क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं, इस लड़की के जैसे बाल आ जाएंगे तेरे, इतने बड़े बड़े। देख ले वोट फॉर जिमी, लेट्स गो। आ जाओ अंकल जी, आ रहा हूं आ रहा हूं। हाय रब्बा थक जाता हूं अंकल जी मैं तो, प्रमोशन कर करके अपना। ओह नो, अब करना ही पड़ेगा जिमी, बहुत करीब है तेरी रैली। अरे वोट फॉर जिमी भाई, डर क्यों रहा, मार नहीं रहा, वोट फॉर जिमी। ठीक है हां, वोट फॉर जिमी कर दिए भाई, डरे मत। और आंटी किधर जा रही हो, मैं तो कह रहा हूं ऐसी 10 टोपी और दिला दूं, वोट फॉर जिमी कर दिए। अरे तू तो डरा दिया मेरे को, रैंड मत करिए भाई। और टकलो टकलो भाई, तुम आले ऐसा बढ़िया मालिश वाला तेल मंगाया मैंने चाइना से, वोट फॉर जिमी करना, बाल ऐसे हो गए, मजा आ गया। तुम भी बोलोगे आ फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। लेट्स गो अंकल जी, अपना आप सिलेक्ट करते हैं गाइस। हां तो हमने काफी प्रचार कर लिया अपना, हाय रब्बा मार थोड़े पापड़ वाले नु। और कुड़िए वोट फॉर जिमी कर दियो अंकल जी, देख रहे हो क्या क्या करना पड़ता है इस इलेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल, राजनेता और रगति, हाय रब्बा मार थोड़े पापड़ वाले नु, बैठ जा पगली पीछे। तो आप आगे बैठे हो, आप हिसाब बताओगे। सारी गाड़ी अंकल जी देखो, जितना मैंने सोचा यहाँ सारी गाड़ियाँ लगी होगी यू लाइन से। ठीक ठीक, रोड सारे बंद होंगे। ठीक है सारी गाड़ियाँ लाइन से पीछे तक लगी होगी, जितना भी अपना यहाँ से गाड़ी निकलेगी। ठीक है यू चलेगी, जय जिमी जय हिमी जय जिमी। ठीक है यहाँ से निकलेंगे, अब यहाँ से कटरी लेने की सोच रहे, मैं सोचा सीधे निकलवा देंगे ना। नहीं नहीं पहले पूरा कॉलेज का एक राउंड मारेंगे। हाँ तो फिर सुनो, यहाँ से निकलेंगे हम। हां तो देखो ये तो गाइस आप भी देख लो, रूट ये होने वाला है। अरे हटा लेना ताऊ, तो यहां से गाड़ी आएगी अपनी, बिल्कुल धीरे धीरे जाएगी गाड़ी बिल्कुल गाइस। ठीक है यहां से फिर अपन, अरे हट जाने बदमाश, फिर यहां से गाइस हमारी गाड़ी यू कट मारेगी। ठीक है मेन बात, कॉलेज की गाड़ी फॉर आवर कॉलेज रेपुटेशन। ठीक है फिर यहां से अंकल जी यहां से धीरे 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 लाएंगे 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 और फिर यहां पे आएंगे गाइस, फिर गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी के बाहर उतरूंगा, गाड़ी में चौधरी तो मैं वैसे ही बना पड़ूंगा उस दिन है अंकल। फिर यहाँ गाड़ी ऐसी रुकेगी थोड़ी बहुत, फिर निकल जाएगी गाड़ी और फिर दोबारा निकलेगी गाड़ी। टू नो 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 नो, फिर अंकल जी यहाँ से यू। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और फिर यहाँ से लेफ्ट। हाँ यहाँ से लेफ्ट, ओके तो गाइस यू निकलेगी गाड़ी, फिर यहाँ से राइट की साइड ले ले, फिर यहाँ से गाड़ी गाइस उस वाले कट से इधर आ जाएगी और फिर यहाँ से लेफ्ट लेंगे जी भी। तो गाइस ये देख लो ये पूरा रूट होने वाला है, ये रूट मैं इसलिए समझ रहा हूं क्योंकि मुझे आगे भी देना है ताकि ये रोड खाली रहे उस दिन। तो ऐसे गाड़ी पूरी मस्त निकलेगी गाइस, ऐसे मस्त स्वैग में चलेंगे हम, एक तरफा सिस्टम चल रहा है, एक तरफा छोरा जाट का। ये तो मैं गाड़ी तेज चला रहा हूं, उस दिन धीरे धीरे चलेगी, उस दिन कोई रेड लाइट कोई कुछ नहीं, हमारी गाड़ी वैसी स्लो चलेगी और फिर यहाँ से सीधा। हाँ बिल्कुल सीधा सीधा, तो देख रहे हो गाइस ऐसी हैवी रैली होगी हमारी, हल्के में ले रहे हो के
ओके तो अंकल जी फिर मेरे घर के इधर से लेनी है क्या? देख ले जी, मैं एक राउंड तेरे घर का मरवाना है तो। हाँ तो मरवा लेंगे भाई साहब, फिर यहाँ से आएगी गाड़ी गाइस। एक तरफा सिस्टम चला, एक तरफा छोरा जाट का। चल भाई चल चल चल, ओ भाई चल ले। फिर अंकल जी फिर यहाँ से देख ले जी, मैं आगे तू। मैं तो सोच रहा हूँ कटना मरवा के गाड़ी सीधी निकलवा दूँ। हाँ सीधी निकलवा सकता है। और ये देखो गाइस, यहाँ से सीधी लेके यहाँ आएगी गाड़ी और यहाँ से फिर सारी गाड़ियों के कट मरवा देंगे। बताओ ये सीधा? ठीक है सीधा ले चल जी, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ तो फिर सीधा ही ले जाएंगे गाइस गाड़ी अपनी, क्योंकि उस दिन पूरा यही काम होना है, गाड़ी की घूमेगी इधर उधर इधर उधर इधर उधर, खाली गाड़ियों की फुल टंकी करवानी पड़ेगी, मेरे को तो जेब खाली हो जाएगी, पर चलो ठीक है। और अरे भाई बदमाश है। और फिर गाड़ी अंकल बताओ यहाँ से किधर ले बता? मैं सोच रहा हूँ सीधा रखवा लेंगे अभी भी। ठीक ठीक। तो ये देखो गाइस मेन हाईवे जो होता है, यहाँ पे भी लोगों को पता चलना चाहिए कुछ चल रहा है। यहाँ से गाड़ी जाएगी अपनी यहाँ अंकल जी, फिर उसके बाद गाड़ी मारेगी यहाँ से कट। ओके। और फिर कट मारने के बाद, अरे बदमाश है, उस दिन कुछ नहीं होगा, ऐसे जैसे बदमाश बदमूस आ जा रहे हैं ना अभी रोड में अंकल जी, उस दिन तो मैं सारा मैटर सेट करवाऊंगा। ओके ओके। उसके बाद अंकल जी मेरा हिसाब सेट नहीं बैठ रहा थोड़ा, फिर यहाँ से कट मरवाएंगे, गाड़ी ऊपर ना करवाते हुए नीचे से ही निकलवा लेंगे। ठीक ठीक। यार पर अंकल यहाँ कट नहीं है जो हिसाब मैं चाहता हूँ। ओ नो। मैं चाहता हूँ एक हाईवे की भी गेड़ी लगनी चाहिए यार। देख ले जी मैं आगे होगा कट। ये देख लो गाइस, यहाँ से हम सीधी निकलवा देंगे गाड़ी। सीधी निकलवाने का मतलब बनता अंकल बताओ? हाँ हाँ देख ले कट कहाँ पे। यहाँ से यार यही सीन है ना, पीछे तक का तो हमारा सेट है, हम ये चाहते हैं यहाँ से एक बार नीचे निकलवा ले हम गाड़ी। हाँ नहीं 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 होगा, नहीं होगा अंकल जी, अब रोंग में थोड़ी घुसवाऊंगा गाड़ी। देख ले जी मैं अपने हिसाब से। तो एक काम करेंगे वहाँ से सीधी सीधी लाएंगे हम, ठीक है? तो गाइस वो सीधा जहाँ से मैंने कट बोला वहाँ पे कट ना देते हुए हम सीधा सीधा लाएंगे गाड़ी, और ये जो इलाका है ना वहाँ से पीछे वाले कट से अंकल जी कट ले लेंगे। ओके ठीक है, कट लेंगे, फिर कट लेंगे ही नहीं, चलो सीधा सीधा लेके पुलिस स्टेशन के आगे से ड्राइवर अंकल जी को राम राम करते हुए। ठीक ठीक, ड्राइवर भी खुश हो जाएगा देख के। हाँ ड्राइवर अंकल जी भी बोलेंगे क्या बात है जिमी यार मजा आ गया ये, एक सेकंड रुक जाओ अंकल जी। हाँ देखो अंकल जी, फिर यहाँ से सीधी सीधी जाएगी गाड़ी। और अरे हट जाना है बावड़ी तरेड़, फिर उसके बाद गाइस सीन यही होगा। देखो मतलब यहाँ से सीधी सीधी का मतलब मैं कह रहा हूँ आगे वाले कट से हम यहाँ से घुमा के, अब पूरा सीन आपको समझ आएगा। यहाँ पुलिस स्टेशन के आगे से गाड़ी लेके जाएंगे, पूरा अपनी रैली का प्रचार होगा, मस्त अपन निकलेंगे यहाँ से टिचक 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 टिचक, पूरी तेज गाड़ी तो नहीं मतलब धीरे धीरे आएगी गाड़ी, आपको उस दिन पता चलेगा हम कहना क्या चाहते हैं। और फिर इस कट से गाड़ी यहाँ, उस दिन हमने उल्टा करा था जी पिछली बार सिस्टम, देख देख ले जी मैं इस बार सही होना चाहिए। हां इस बार सिस्टम यहां से फिर ये निकल जाएगी गाड़ी, क्योंकि रूट ज्यादा लंबा भी नहीं चाहिए ना हमें फिर। वही वही। और हम यहां से कट नहीं लेंगे फिर। ये देखो यहां पे इन्होंने पहले बैरिकेड लगा रखे, ये लंबा पड़ेगा रूट अंकल जी वैसे पर। कोई नहीं जी मैं देख लेते हैं। अरे यार यहां भी बैरिकेड लगवा रखे, हमें कट लेना हो तो लेंगे कहां से अंकल? कट चालू करवा लेंगे उस दिन। अरे पर मेन चीज तो ये यार है भैंसिया। यार अंकल जी मैं सोच रहा हाँ हाँ मेन हाईवे ना घुसा के हम अंदर अंदर ही कर ले। हाँ वो भी कर सकता है जी। तो गाइस मैं बताता हूँ, मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, मैं सीधा आगे चलता हूँ पहले। तो देखो गाइस बात ये है, जैसे कि हम यहाँ से आएंगे ना तो हम गाड़ी अंदर ना डालते हुए अंकल जी सीधे ले जाएंगे। हाँ ये भी कर सकते हैं। और इसका सीन ये होगा, हम यहाँ से अंदर अंदर लेके जाएंगे गाड़ी, उसके बाद फिर ऊपर चढ़ा देंगे। ये देखो ना यहाँ हाईवे वाले बंदों को तो दिख ही गए हम। वही वही वही। और पूरा रास्ता खाली होने वाला उस दिन तो वैस की, क्योंकि बस लोग लोग घूमेंगे, पूरा रास्ता बंद करवा दो अंकल। हाँ ये तो सही रूट है वैसे जी। ठीक है तो गाइस इसके बाद हमारी गाड़ी यहाँ से जाएगी सारी की सारी। अब मेन बात है हमारी गाड़ी थोड़ी गेड़ी भी तो अलग मारनी चाहिए, फिर यहाँ से पूरे स्वैग में जाएगी हमारी गाड़ी। कुछ मैं ये जुगाड़ भी करूँगा कि आपको सिनेमैटिक्स मोड में हमारी गाड़ियाँ दिखे, मैं एक कैमरामैन को बुलवाने की कोशिश जरूर करूँगा कि थोड़े बहुत एंगल तो वो आपको दिखा पाए अलग से लुक में। ठीक है ओके। तो यहाँ से गाड़ी आने के बाद प्रोग्राम ये होने वाला है अंकल, आगे कठिनाई गाड़ी जाएगी सीधा यहाँ, क्योंकि कई कॉलेज के जो हमारे बालक हैं वो यहाँ भी रहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये सीन होगा गाइस। फिर सीधा गाड़ी ऊपर जाने के बाद हमारा ये होने वाला है, हम गाड़ी के यहाँ से कट लेंगे, हमारा यहाँ से आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, ले जाने को ले जाए, पर मैं चाहता हूँ अंकल जी घर के आगे से गाड़ी जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से फिर गाड़ी जाएगी, और गाड़ी फिर मैं आपको बताता हूँ अभी ये रैली खत्म कैसे होने वाली है। यहाँ से पूरी तेज तेज जाएंगे हम, मतलब धीरे धीरे जो भी अपनी स्पीड होगी, कॉलेज से निकलते निकलते आधे पुलिस स्टेशन तक हमारी गाड़ी नॉर्मली चलेगी,
और ये देखो यहाँ से कट लेने के बाद पूरी गाड़ी धीरे धीरे होड़ी 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 चलते चलते, अब आपको पता है यहाँ से जब हम कट लेते हैं तो एक सीधा रास्ता आता है जो कि अब कॉलेज के लिए ही निकल जाएगा अंकल, ये वाला। हाँ ये सही रूट बना लिया जी हमने गोल, ठीक है। तो पूरा मतलब हमने पूरे एरिया का पूरा जो लॉस सैंटोस अपना इलाका जो अपने की तरफ आता है जिसमें अपने कॉलेज के बालक है उतना हमने मोस्टली कवर कर ही लिया 80%, ठीक है अंकल। तो ये सीन है, तो देखो गाइस यहाँ से उस दिन हम पूरा सीधा सीधा जाने वाले हैं और बस अब आगे जाते हैं हमारा कॉलेज आ जाता है। अब इसके अलावा चाहिए क्या हमें, ये देखो पूरा जैसे मैंने आपको बताया पूरा रास्ता सीधा सीधा जा जाके अरे अरे बावली तरे अरे हाँ, तो ये देखो पूरा रास्ता हमने खत्म करा, यहीं से हमने रैली स्टार्ट करी और यहीं हमारी गाड़ी दोबारा खड़ी हो गई। लो अंकल बिल्कुल मस्त प्लान है, ये हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी होगी। तो भाई ये हमने सोचा अब ये हमारा फाइनल होगा या नहीं, हम एक बार अंदर परमिशन ले लेते हैं। अंदर परमिशन का तो वो बोलते हैं पहले आप यहाँ के लोकल लोगों से परमिशन लो, लोकल मतलब लोकल पुलिस वालों से परमिशन लो, जो कि अपना परमिशन की तो कोई दिक्कत नहीं है अंकल। ड्राइवर बैठा तो सरकार तो साड़ी अपनी है। तो एक बार गाइस मैं ड्राइवर अंकल जी को फोन करके सर्टिफिकेट मंगवा के इनको इनके मुंह पे मार के आया और फिर आपको बताते कि कंफर्मेशन मिली है या नहीं। तो गाइस अब हमने क्या कही थी, सरकार तो साड़ी अपनी है अंकल, ये जो अंदर का प्रोफेसर साहब है ना हमारे, हाँ। वो घबरा गया, भाई तुमने रूट इतना बड़ा है और तुमने रूट सिलेक्ट करा मेन मेनी से और तुम्हें वो परमिशन कैसे मिल गई पूरा खाली करवाने की। अरे उसे बताना चाहिए था ना, यू पगली क्या कहा था, मैं जिमी हूँ समझी। अंकल जी को थके थके से लग रहे यार। अरे जी मैं यार थका दिया, अब कुछ खिला पिला दे। आ चलो आज मौज कराओ, क्योंकि गाइस ये थोड़ा मेन बात हो जाती है परमिशन वाली, अबे ये भी मिल गई है तो बस अब थोड़े दिनों में रैली की डेट्स निकल जाएगी, किस टाइम क्या क्या सीन होने वाला है, फिर बस आप भी तैयार हम भी तैयार रैली के लिए। पीछे बैठ जाओ अंकल जी प्लीज, हमारी मुहतरमा जी को आगे बैठने दो। ओके तो लेट्स गो, मैं लेके जा रही हूं एक काफी बढ़िया जगह, तो आपको भी दिखाते हैं गाइस। तो बढ़िया लाया हो ना अंकल जी, बढ़िया जगह। अरे जिमी जगह तो बढ़िया एक नंबर। अरे ट्रेसी जैसे आ जाती है हर जगह अंकल, देखना कोई नहीं ट्रेसी भी आ रखी है यार। ये तो गलत बात है ना यार, मतलब जहाँ मैं एंजॉय कर यार अंकल यार ये थोड़ा सा ना भी सेट हो जाएगा, टाइम देख रहा ना भी ऐसे हो रखा है। तो गाइस बाकी ये देख लो कैसी जगह ले गया हम, अंकल जी भी बोले अरे के बात है जिमी, और यहाँ तो जुगाड़ पानी है, ऐसी एंट्री नहीं होती अंकल, यहाँ जानकारी की एंट्री होती है, नचाएंगे सारी रात सोनिया वे अंकल जी। तो गाइस जो हमारी ओली है वो अभी गई हुई है कई काम से, अभी आ रही है वो थोड़ी देर में यही है, ठीक है। तो होप तो गाइस आपको हमारी आज की वीडियो में मजा आएगा, फाइनली हमने आपको दिखा दिया कि हमारी रैली का रूट क्या होने वाला है। तो वीडियो में मजा आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ कमेंट करके बता दें कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। मिलता है एक ब्रांड वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, जोड़ा अच्छा फिर अगली।